मस्तूरी के जोंधरा उन्नत प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के द्वारा छात्राओं से करवाया जा रहा है अस्वच्छ काम। छात्राओं ने स्कूल के प्रधान पाठक के डर से कर रही है स्कूल का शौचालय साफ। छात्राओं के पालकों में फैला आक्रोश, कहा बच्चों को हम स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, टॉयलेट की सफाई हेतु नहीं, प्रधान पाठक पर कड़ी कार्रवाई हो। कहां है स्कूल शिक्षा विभाग की कार्रवाई? अब देखना यह है कि क्या बाल अधिकार कानून के तहत बाल श्रम विभाग प्रधान पाठक पर क्या कड़ी कार्रवाई करता है। ग्राम पंचायत जोंधरा में उन्नत प्राथमिक शाला संजय नगर जोंधरा प्रभारी प्रधान पाठक सुरेश कुमार श्रीवास के द्वारा बच्चों से बाथरूम साफ कराने का आदेश दिया गया, जिस पर स्कूल की छात्राओं ने स्कूल प्रभारी प्रधान पाठक के डर से बाथरूम साफ करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि स्कूल का प्रभारी प्रधान पाठक सुरेश श्रीवास का भतीजा ही स्वीपर का काम करता है। लेकिन स्कूल प्रभारी प्रधान पाठक के द्वारा अपने भतीजे को बाथरूम सफाई ना कराकर पढ़ने वाले बच्चों को डरा धमका कर सफाई करवाया जा रहा है और बच्चों को जबरन कहा जा रहा है कि सफाई करो नहीं तो तुम्हें फेल कर देंगे। माँ बाप स्कूल को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बन सके और उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, लेकिन ग्राम पंचायत जोंधरा के प्राथमिक शाला स्कूल का प्रभारी प्रधान पाठक सुरेश श्रीवास के द्वारा बच्चों को डरा धमका कर बाथरूम साफ क्यों कराया जा रहा है? क्या इसे नहीं पता है स्कूल शिक्षा विभाग इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है? क्या इसे नहीं है प्रशासन का भय? अब देखना यह है कि क्या बाल अधिकार कानून के तहत बाल श्रम विभाग प्रधान पाठक पर कड़ी कार्रवाई करता है और स्कूल शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। फिर ब्यूरो प्रमुख की खास खबर, सवितर के न्यूज, सच की आवाज। क्या बताइए सरपंच जी आपका? मेरा नाम उत्तर कुमार रात्रे है, मैं सरपंच पति ग्राम पंचायत जोंधरा। सरपंच जी आपसे ये जानकारी लेना था कि आपका ग्राम पंचायत में उन्नत प्राथमिक शाला स्कूल संजय नगर में है, वहाँ बच्चों से पाँचवीं क्लास के बच्चों से आपका प्रधान पाठक है जो सुरेश कुमार, उससे देखा गया था कि बच्चों से टॉयलेट साफ करवा रहा था, इस विषय में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा बात करवा, अगर स्कूल में बच्चों के द्वारा साफ सफाई कराया जा रहा है तो बहुत ही निंदनीय और गैरकानूनी काम है। इस विषय में मैं यह कहूँगा कि बच्चों से साफ सफाई का जिम्मेदारी नहीं है, वो तो स्वीपर का काम है और प्रधान पाठक को चाहिए कि स्वीपर से उसकी साफ सफाई कराना चाहिए और बच्चे से साफ सफाई झाड़ू लगवाना है सब अच्छा काम नहीं है। इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए प्रधान पाठक के ऊपर जो बच्चों से साफ कराया गया है आपके वजह? जैसे कि अब कानून शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी नियम होगा उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि भाई वो नियम के विरुद्ध काम किया है और बच्चों से तो साफ सफाई का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं दिनेश शर्मा, उप सरपंच ग्राम पंचायत जोंधरा। आपसे ये जानकारी चाहिए हम लोगों को कि आपका ग्राम पंचायत जोंधरा में उन्नत प्राथमिक शाला संजय नगर में स्कूल है, वहाँ देखा गया कि पाँचवीं क्लास के बच्चों से प्रधान पाठक सुरेश कुमार के द्वारा बाथरूम का साफ सफाई करवा रहा था, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो निंदनीय अपराध है, घोर अपराध है कि बच्चों को लेटरिन टॉयलेट को साफ करवाना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी शासन द्वारा हर जगह हर स्कूल में स्वीपर लगा हुआ है जी, और बच्चों से साफ कराना ये निंदनीय अपराध है, मैं इसका विरोध करूँगा और शासन से जो भी शिक्षा विभाग से है वो कार्रवाई करे और बच्चों जो है बच्चों को साफ कराना, पालक जो है अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता है, ये नहीं कि साफ सफाई कराने के लिए भेजता है, ये तो गलत है, बिल्कुल मैं इसका निंदा करता हूँ। हाँ सर जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सेवकराम पटेल है, ग्राम जोंधरा से हूँ और वार्ड क्रमांक 1 का पंच हूँ। सर एक जानकारी आपसे चाहिए। जी जी जी, ये आपके ग्राम पंचायत में शाला स्कूल है शंकर नगर में। जी जी, संजय नगर में जी। तो वहाँ देखा गया कि प्रधान पाठक सुरेश कुमार श्रीवास है जी, तो बच्चों से वो टॉयलेट साफ करवा रहा था जी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बच्चे जो है भविष्य का उज्ज्वल रहता है,
सुपरविजर सर मतलब कौन सी दिशा मोड़ सकता है ये हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जघन्य अपराध है कहा जाए। बच्चे लोग को हम लोग पढ़ाई के लिए भेजते हैं, न कि उसको टॉयलेट साफ करने के लिए, ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर किया है और स्वीकार कर रहे हैं उसको वास्तविक में जो सरकार से जो उचित कार्यवाही किया जाना चाहिए। जोंधरा ये जानकारी लेना रही से आप मन से कि आपके ग्राम पंचायत स्कूल है जो उन्नत प्राथमिक शाला स्कूल संजय नगर, वहाँ प्रधान पाठक सुरेश कुमार श्रीवास के द्वारा बच्चों से टॉयलेट साफ करवा रहे थे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? गलत है भैया, पढ़े जाते लेका मन का टॉयलेट साफ थोड़े करे जाही क्या? आप मन के कई झन लेका मन जाते स्कूल? दो झन जाते, मोर दो झन जाते लड़की मन। हाँ, लड़की जाते और लड़का। अच्छा, तो ऐसे गुरुजी मन साफ करवात रही तो कितना प्रभाव पड़ी बतावा लेका मन ला? गलत है भैया, हमन पढ़े भेथन लगा है ना भैया। हाँ, टॉयलेट साफ करे थोड़े भेथन लगा हमन का।